सो गाइस, हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। ये क्वेश्चन बहुत बार 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 मुझसे पूछा जाता है इनबॉक्स में, इधर उधर इंस्टाग्राम पे। जब भी कोई आता है इंस्टाग्राम पे इस चीज के बारे में पूछने के, उस चीज के बारे में पूछने के लिए, तो वो मुझसे ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमेशा करता है, कैसे हम 1 लाख रुपए बनाए, या इससे थोड़ा सा कम या इससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, कोई बोलता है 50,000, कोई बोलता है 1 लाख, कोई बोलता है 70,000। तो मैंने सिलेक्ट किया कि 1 लाख आप हर मंथ कैसे बना सकते हैं, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। एकदम आपको बेस्ट वेज देने वाला हूं मैं, अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो 100% आप उससे पैसे कमाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, this is TA and I'm the best in the world and you are watching online money as usual. So दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे 1 लाख रुपए आप हर महीने बना सकते हो, और ये बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। सो गाइज, यहाँ मैं आपको पूरी चीज समझाऊंगा कैसे आप 1 लाख रुपए हर महीने के बना सकते हो, ये कितना ज्यादा इजी है। गाइज देखो, अभी थोड़े दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे दिखाया और फेसबुक पे भी दिखाया, दोनों ही स्टोरी में मैंने डाला था कि मैंने आई थिंक 20 या 25 डेज में 945 डॉलर की अर्निंग की है एक एक प्रोडक्ट से, एक प्लेटफॉर्म से। ठीक है, 945 डॉलर की अर्निंग सिर्फ 25 दिनों में, आप अगर पूरा लेके चलो तो सिर्फ 25 दिनों में। ठीक है, क्योंकि वो 20 से 25 दिनों में, एग्जैक्टली मुझे पूरा डे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ 25 दिनों अगर मैं हाईएस्ट लेके चलूँ तो 25 दिन में। तो मैंने कैसे किया, उसके लिए पहले परफेक्ट प्लानिंग का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उस स्टोरी को डालने के बाद उसके बाद बहुत सारे डीएम्स मेरे पास आए थे कि कैसे किया कैसे किया। तो उसके पीछे गाइस, पहले प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख रुपए कैसे कैसे बना सकते हो पूरे डिटेल में। ठीक है, तो पहली गाइस जो चीज मैं बोलूंगा, आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप सेल कर सको। ठीक है गाइस, आप कोई भी सेक्टर में हो, वहां आप कुछ ना कुछ सेल करते हो, कहीं आप अपने आप को सेल करते हो, मतलब आप किसी को अपने द्वारा काम करके देते हो और उसके आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, कहीं आप कुछ और सेल करते हो, कोई कुछ और सेल कर रहा है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे चीजों को तो आप देखोगे कि हर कोई कुछ ना कुछ सेल कर रहा है, तभी वो अर्निंग कर रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि सेलिंग गलत चीज है, ये तो मुझ पे थोप रहा है। नहीं गाइज, ये माइंडसेट निकाल दो, ये हम इंडियंस का ही माइंडसेट है। वो आपको कुछ सर्व कर रहा है, सेलिंग मतलब सर्व करना। जब आपको कोई अच्छी चीज सर्व कर रहा है तो उसको लो, उसको अप्लाई करो, तभी आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, सो प्लानिंग का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा। तो प्लानिंग के लिए आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट, या आपका खुद का प्रोडक्ट, या आप कोई खुद सर्विस दे दो, या किसी और का प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब मान लो आप $20 का ई बुक सेल करते हो। ठीक है, ई बुक के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन से आप ई बुक सेल कर सकते हो, कौन से क्या बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी आपको और बहुत ज्यादा आपके लिए काम भी आएगी। ठीक है, तो अगर $20 का आप कोई भी चीज सेल करते हो, लाइक ई बुक, ठीक है, ई बुक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो अगर कितने बुक आपको सेल करने होंगे एक महीने में 1 लाख रुपए कमाने के लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए यहाँ मैं $1,000 इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, 1 लाख मतलब $1,000। तो कितने ई बुक आपको सेल करने होंगे, अगर आप 5 सेल करते हो तो 100 होते हैं, 5 सेल करते हो तो $100 बनते हैं। ठीक है, तो मतलब कितने आपको सेल करने पड़ेंगे, तो 100 ई बुक आपको सेल करने पड़ेंगे। ठीक है, 100 ई बुक आपको सेल करने पड़ेंगे $1,000 बनाने के लिए। कितने ई बुक, 100 ई बुक। ठीक है, अब $20 का आप कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप सेल कर सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ई बुक का। ठीक है, आप कोई सर्विस सेल कर सकते हो या कुछ और सेल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ई बुक। तो ई बुक अगर आप बेच दोगे तो आपको $20 के हिसाब से 100 ई बुक सेल करना पड़ेगा। यूजुअली जो अच्छे ई बुक्स रहते हैं वो $20 से $30 और उससे ऊपर भी रहते हैं, लेकिन अगर ऑन एवरेज में लेके चलो तो $20 का एक ई बुक बिकता है ऑन एवरेज में। ठीक है, सो 100 ई बुक जब आप सेल करोगे तब जाके आप $1,000 का अर्निंग करोगे। ठीक है, $1,000 इक्वल टू 1 लाख यहाँ हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं 1 लाख और 1 लाख से ज्यादा बनाने की बात कर रहा हूँ, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो। अगर वही चीज हम लोग $50 का लेके चले, $50, ठीक है,
हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना होगा जो $50 का बिक रहा हो, या एक आपको ऐसी सर्विस देनी होगी, या कुछ आपको ऐसा सेल करना होगा जो $50 का बिके। तो अब यहाँ पर आपको कितनी चीजें सेल करनी पड़ेंगी $1,000 बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको पूरी 20 चीजें सेल करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ चलो 20 चीजें आपको सेल करनी पड़ेंगी यहाँ पर आपको $1,000 बनाने के लिए। सो गाइज अगेन हम आगे बढ़ेंगे कि अगर आप $100 की चीज सेल करते हो तो आपको कितना सेल करना पड़ेगा, ओनली 10, $1,000। ठीक है, और अगर वहीं आप $200 का सेल करते हो, ठीक है, $150 भी नहीं, सीधा $200, ओके, ओनली 5। सो गाइस इससे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं इसे ये समझाना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक चीज पे डिपेंड मत रहना। ठीक है, एक चीज मतलब बोले तो सिर्फ ई बुक को ही मत सेल करना। ठीक है, डिपेंड इस पे भी रहना, $50 के प्रोडक्ट पे डिपेंड, $100 के भी प्रोडक्ट पे रहना, और डिपेंड $200 के भी प्रोडक्ट पे रहना, क्योंकि गाइस कब क्या सेल हो जाए आपको नहीं पता। अगर आप सोचोगे कि हम मुझे सिर्फ ई बुक ई बुक ई बुक ई बुक ही सेल करके $1,000 कमाना है, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपका ई बुक हमेशा बिके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड कि ऑप्शन होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि आप, चलो आपका एक प्रोडक्ट बूम पे है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है, लेकिन गाइस उसकी सेल मतलब उसकी मार्केट जो है वो कभी रुक भी सकती है, तो उस समय आपके जो सेकेंड प्रोडक्ट है, जो थर्ड प्रोडक्ट है, जो फोर्थ प्रोडक्ट है, वो आपको हेल्प करते हैं आगे जाने में। ठीक है, इसलिए आपको दो तीन प्रोडक्ट कम से कम रखना है, तब जाके आप ₹1,00,000 कवर कर पाओगे। फर्स्ट अगर आप बिगनर हो, तो अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाते हो, तो आप टारगेट रखो 10 लाख का, मतलब सिक्स फिगर अर्निंग का हर मंथ। ठीक है, हर मंथ। ठीक है, अब बात कर ली मैंने कि ये ऐसे होगा, तो हर दिन का एक मतलब एक टारगेट रखो कि मुझे $50 अर्न करने ही है। ठीक है, $50 अर्न करने ही है, तो वो कैसे होगा, वो होगा आपके पूरा टारगेट की एक दिन 50 50 50, मतलब 30 दिन है, तो हर दिन मुझे $50 एटलीस्ट लेने ही है। अगर आप $50 नहीं सोच सकते, यार $50 बहुत ज्यादा है, तो आप सोचो हर दिन मुझे $10 तो अर्न करना ही है। अगर $10 पे आप हर दिन जाओगे तो आप आपका $1,000 का टारगेट नहीं पूरा कर पाओगे। इसीलिए मैंने $50 लेके चला कि अगर आपका किसी ना किसी दिन मिस होता है, ऑब्वियसली बात है गाइस मिस तो होगा ही, लेकिन अगर आप उस पर कंस्टेंट काम करोगे, कंस्टेंट बने रहोगे, तो ऐसा समय भी आएगा जब मिस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप $50 को एक लेके चलते हो, हर दिन का टारगेट रखो कि मुझे $50 करना ही है, जब तक आप $50 करोगे नहीं तब तक आप सोगे नहीं, तो $50 का टारगेट लेके चलो, तो आपका $1,000 कंप्लीट होगा। अब तो हो गई ये बात। दूसरी बात गाइस बता दूं कि इन लोगों को कैप्चर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फ्री में देना होगा। ये चीज इस फॉर्मूले को समझो। ठीक है, मान लो कोई नई शॉप खुलती है, तो देखना वो आपके घर के आसपास आते हैं और आपको पैम्पलेट्स बांटते हैं। ठीक है, कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, 60% ऑफ हमारी शॉप खुल रही है, आप वहाँ विजिट कीजिए, तो आपको इतना परसेंट ऑफ मिलेगा जब आप ये लेके आएंगे। तो वो क्या देते हैं, वो आपको देते हैं एक ऐसी चीज जो आपको सूंघते हुए आप वहां पहुंच जाते हो। यस गाइस एग्जैक्टली यही होता है कि आपको वो चीज मिल जाती है कि आप मुझे यहाँ 50% ऑफ मिलेगा, तो आप जब उस मार्केट में रहते हो, जाते हो उसके शॉप में जाते हो, हाँ $50 मुझे ऑफ मिलना है, तो ये देख के आप उसके शॉप में जाते हो, वो आपको शॉप में लेके आ जाता है। अब मान लो चलो $50 से इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ, अब मान लो सॉरी $50 बोल रहा हूँ, अब मान लो 50% जो ऑफ आपको दिया है वो आपको अपने शॉप में बुला लिया। ठीक है, पहले तो वो आपको छोटी मोटी चीजें दिखाता है, ठीक है ये ले लो वो ले लो, लेकिन गाइस देखो जब उसने कहा है कि 50% ऑफ है, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, कोई इतना बड़ा पागल तो है नहीं कि आपको 50% ऑफ दे देगा अपना सामान। ठीक है, वो भाई 100% लेके आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो मार्जिन कमाना है ना, तो अगर आपको बोला है वो 50% ऑफ दूंगा, तो वो एक टेक्निक है आपको उसके दुकान पे लाने की, फिर उसके बाद वो आपको बड़े महंगे प्रोडक्ट्स दिखाएगा और वो आपको सेल करेगा, और वो उतना ही पैसा निकालेगा जितना वो निकालना चाहता है। तो यही एग्जैक्टली आपको भी करना है अपने बिजनेस में। आपको क्या करना है, शुरू में कोई ना कोई चीज, कुछ तो कुछ बना लो, या ई बुक बना लो, या कुछ और पीडीएफ बना लो, या कोई कोर्स खरीद लो और वो लोगों को फ्री में बांटो अगर नहीं बना सकते।
तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप ऊपर में लेवल में जब लोगों को फ्री में ऑफर करोगे तो लोग आपके पास आएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा कनेक्शन आपका और उनका, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि फ्री में देना है तो कुछ फालतू का दे दें, ठीक है, अच्छी चीजें दो, मतलब जो उनको थोड़ा यूजफुल लगे, तभी वो कनेक्शन बिल्ड होगा और फिर उसके बाद वो आपकी चीजें खरीदेंगे, और फिर उसके बाद आप उनको अपना जो भी $50 $60 का जो भी आपका प्रोडक्ट है या आपकी कोई सर्विस है वो उनको दो, 100% वो खरीदेंगे। पहला ट्रांजेक्शन अगर आप सही से करवा दिए तो उसके बाद वो आपका महंगा प्रोडक्ट भी खरीदने में चूकेंगे नहीं। तो गाइस यही एक आसान फॉर्मूला है आराम से 1 लाख रुपए बनाने का हर मंथ, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको फ्री में गाइड भी कर दूंगा और आपको बता भी दूंगा कैसे कैसे सारी चीजें काम करती हैं, तो वो आप नीचे मुझे कमेंट में लिख देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप चाहते हो कि आप बेस्ट प्रोडक्ट $50 में सेल करो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक होगी, उसको देखना समझना और उस प्रोडक्ट पे मुझसे ट्रेनिंग लेना। 1 घंटा ऑन वीडियो कॉल पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ और बहुत सारी चीजें उसके साथ फ्री भी मिलती है, तो आप नीचे उसको चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अच्छा कमेंट देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद।